अगेन आई वेलकम टू माई न्यू चैनल एस टी नॉलेज बॉय एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ क्लास 8 फ्रॉम ज्योग्राफी एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स बट टूडे आई एम हियर टू डिस्क्राइब एंड आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग द लेसन फर्स्ट ज्योग्राफी एंड द नेम ऑफ द लेसन इज रिसोर्स So, what is the meaning of resources? Hindi meaning of resources is srot, bhandaran. Okay? So, we are here to discuss about resource. So, the question will be asked, what is resource? What do you mean by resource? So, if this type of question will be asked, you have to say anything which has utility or usability, it's called resource. Anything which has utility and usability is called resource. In other sentence, you can say that anything which is used to fulfill our needs is called resource. Anything which is used to satisfy our need is called resource. For example, water. For example, plant product. For example, mobile. Mobile is very important because we are here. We are here and we are interact with each other by a device and the name of the device is mobile. So mobile has some utility. Mobile has some usability. Without mobile, we can't communicate. Okay? So, all the things that we use and that things have some type, a special type of usability and utility. Because we need. जैसे मोबाइल हमको जरूरत है क्यों क्योंकि हमारी नीड को पूरा करता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो मोबाइल क्या है एक रिसोर्स का एग्जांपल है ठीक है और वाटर वाटर हमारे थर्स्ट यानी कि प्यास को बुझाने के लिए यूज किया जाता है तो वाटर क्या है एक रिसोर्स है तो बेटा अब हम बात करते हैं रिसोर्स आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो कि व्हाट इज रिसोर्स ओके रिसोर्स क्या होता है वह कोई भी चीज जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते हैं तो वही चीज हमारे पास रिसोर्स कहलाता है यानी उस चीज के पास यूजिबिलिटी भी होता है और यूटिलिटी भी होता है नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स Classification of resource. So, if anyone asks you classification of resource, so you have to say there are three classification of resource. Three classification. The first, natural resource. I have mentioned here, natural. Second, man-made resource. I have also mentioned. And third, human. Okay. So, this is called classification of resource. Now you can say that there are three types of resource, there are three category of resource, there are three classification of resource. The first one is the natural resource, second one is the human-made resource, and third one is human itself. Okay? So, what is natural resource? First we talk about what is natural resource, second we talk about what is human-made resource, and third we talk about human. So, we start from natural resource. What is natural resource? So, resource, what is resource? We have discussed. कोई भी चीज जिसका हम यूज करते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं तो बेटा अब हमारे पास आप लोग क्लास थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में सिक्स में हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि हमारे पास मैनमेड क्या होता है जिसको ह्यूमन मेड कहते हैं और हमारे पास नेचुरल क्या होता है तो बेटा अगर अब मैं आपसे बात करूं कि जो हम लोग वाटर रिवर्स जो वाटर होता है वो क्या है नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि वो हमारे पास रिवर्स में पाया जाता है ओशन में पाया जाता है सी में पाया जाता है बट बेटा ये मोबाइल क्या पाया जाता है क्या अगर मान लो कि मुझे मोबाइल की जरूरत है मेरे पास मोबाइल नहीं है तो क्या जैसे हम लोग कहीं जाते हैं हैंडपंप से पानी चलाते हैं पानी पी लेते तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि हम लोग चलाए और कुछ करें मोबाइल हमको मिल जाए नो इट इज नॉट पॉसिबल सो बेटा नेचुरल रिसोर्स क्या होता है एवरीथिंग एवरीथिंग विच आर ऑक्यूपाइड और विच आर In the form of gift by nature, it's called natural resource. यानी कि वो सारी चीज जो nature ने हमको provide किया है without any cost, यानी कि free of cost, यानी कि पैसा नहीं लेता है हम लोग आज सांस लेते हैं ठीक है सांस लेते हैं तो क्या हम पैसा देते हैं अब ये देखो एपिडेमिक में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको आप लोग मत कहना ठीक है ये हमारे पास एयर भी होता है लेकिन अगर देखो मैं यहाँ पे सांस ले रहा हूं ना मैं यहाँ पे इनहेल कर रहा हूं फिर एक्सहेल कर रहा हूं
तो बेटा मैं इनहेल कर रहा हूं तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो क्या ऑक्सीजन मैं लेने जा रहा हूं क्या कहीं से? ये फ्री ऑफ नेचर है बेटा, ठीक है, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो हमारे पास वह नेचर के सारे रिसोर्स जो प्रकृति यानी कि नेचर के द्वारा हमको दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पेट्रोल, एयर, ओके, सो ऑल दीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड ऑल दीज आर कम्स इन नेचुरल रिसोर्स। Is it clear? Next we will talk about human made resource या man made resource। So बेटा man made resource is what? Anything that is created by man, anything that is created by man and that thing has some utility and usability, that type of resource is called man made resource। यानी कि बेटा अगर मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट है, उसने किसी चीज को बनाया और बनाने के बाद उसका यूज ही नहीं है, मतलब कि उसका रिसर्च खत्म हो गया, मतलब फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, उसका कोई यूज नहीं है, तो इंसान ने बनाया लेकिन उसका यूज नहीं है, उसकी यूटिलिटी नहीं है, सो वो हमारे पास मैन मेड रिसोर्स नहीं कहलाएगा क्योंकि उसके पास उसका कोई नीड ही नहीं है। तो बेटा वह सारी चीज जिसकी नीड है और वह इंसान के द्वारा बनाया गया तो उसको हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। नाउ यू कैन से दैट कि एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय मैन and that thing has utility and usability, it's called man-made resource। For example this mobile ke paas hamare paas utility bhi hai aur usability hai, ye kya hai? Example hai man-made resource ka। And next we have to say ye aapka marker hai, to beta prakriti ne ye marker thodi na paida kiya tha ki ha main is संसार का भगवान, मैं ये गिफ्ट दे रहा हूं। तो बेटा ये गिफ्ट तो दिया है, जो ये चीज से जिन चीजों से मिलके बना है वह प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है, लेकिन उसको हमने मॉडिफाई किया और अपने आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई किया, तो अब ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है, देखिए इसको हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्स। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास मैन मेड रिसोर्स क्या है, जैसे बिल्डिंग हो गया, बाइक हो गया, ट्रेन हो गया, रोड हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सारा मैन मेड रिसोर्स है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका ह्यूमन। तो अब देखो ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक हम टर्म्स पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होता है, टेक्नोलॉजी को हम तकनीक कहते हैं। तो बेटा हमारे पास टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लेटेस्ट, एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें लेटेस्ट नॉलेज होता है और स्किल होता है। यानी कि टेक्नोलॉजी refers to that type of application which is totally updated and latest knowledge with skill, so that is called technology। तो बेटा टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, तो आप देखोगे ये मोबाइल आज से 40 साल पहले, 20 साल पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो बेटा हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और ये सारी चीजों को मेटल्स, नॉन मेटल्स सबको मिला के हमने एक डिवाइस बनाया और उस डिवाइस को बनाने के बाद आज हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है मोबाइल। तो मोबाइल क्या है, मोबाइल हमारा देन है, हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी की देन है। तो बेटा टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल। सो हमारे पास जो ह्यूमेंस होते हैं, जो पीपल होते हैं, यानी कि मैं खुद हुआ, आप खुद हुए, तो आने वाले समय हम कुछ चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो वो बनाएंगे तो क्या, ऐसा तो नहीं है कि भगवान आएंगे हमको सपना दिखाएंगे कि अच्छा ठीक है आप ये ले लो ऐसा कंबाइन करो ये चीज बन गया। बेटा हम क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और उसके बाद से जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबिलिटी होता है नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करके तुरंत मेन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करने का। तो हमारे पास ये जो मीडियम है ना, नेचुरल रिसोर्स को मैन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करने का हमारे पास जो मीडियम है वो पीपल है, यानी कि हम खुद है। तो पीपल हमारे पास क्या है, इटसेल्फ अ रिसोर्स। आई एम एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स। तो नाउ इज इट क्लियर कि हम एक मीडियम है क्योंकि हमारे ही देन से नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई किया जाता है और मैन मेड में बनाया जाता है। तो नेचुरल से मैन मेड बनाने के बीच में हम आते हैं, हम क्या है, एक एग्जांपल है रिसोर्स का और वो कौन सा है, ह्यूमन इटसेल्फ। ओके, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। ओके, एंड पीपल्स वो भी कैसे पीपल्स, तो विद देयर नॉलेज एंड आइडियाज एंड स्किल एंड टैलेंट एंड एबिलिटी एंड क्वालिटी। अगर हमारे पास ये सब कुछ होता है तो हम क्या है, हम एक ह्यूमन रिसोर्स है। इज इट क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। देखो मैन मेड रिसोर्स इज सिंपल, ह्यूमन इज सिंपल, बट अब हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं। इन योर क्लास देयर आर द फोर क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन
on the basis of the development, on the basis second classification, on the basis of the origin, third classification, on the basis of stock and the fourth classification, on the basis of distribution. So, बेटा हमारे पास development के आधार पर जो resource होते हैं, वो हमारे पास कितने types के होते हैं? तो on the basis of the development, there are two types of resource. The first one is the actual and second one is the potential. What is actual resource and what is potential resource? बेटा एक ही बात अपने दिमाग में quantity. क्या है क्वांटिटी. तो अगर आपको नेचुरल रिसोर्स का क्वांटिटी पता है कि धरती पे इतने क्वांटिटी में ये चीज नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है तो वो सारे हमारे पास एक्चुअल रिसोर्स में आ जाएंगे. यू कैन से दैट ऑल द नेचुरल रिसोर्स उस क्वांटिटी इज नोन टू अस, यानी कि वो सारे नेचुरल रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा हमको पता है, ऑल दीज के ऑल दिस कम इन द एक्चुअल रिसोर्स. अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? तो बेटा पोटेंशियल रिसोर्स ये है कि वो नेचुरल तो रिसोर्स होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी हमको पता नहीं है. और बेटा हमारे पास जो एक्चुअल रिसोर्स होते हैं वह फर्दर हमारे पास पहले वो पोटेंशियल भी हुआ करते थे. जैसे आप देखो कि आज से बिलियनेयर्स एगो कोल हमारे पास होता था, नहीं होता था, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल था वो होता था. तो फॉसिल फ्यूल्स का कोई यूज नहीं था, यानी कि उस समय वो पोटेंशियल रिसोर्स था, नेचुरली था, लेकिन वो पोटेंशियल रिसोर्स था क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमको पता नहीं थी. एंड नेक्स्ट हमारे पास उसके रिगार्डिंग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल रिसोर्स था आज एक्चुअल रिसोर्स है, पहले वो पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता था. नाउ यू कैन से दैट एक्चुअल रिसोर्स कुड बी पोटेंशियल रिसोर्स इन पास्ट. ओके, अब जो बेटा हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्स है इट विल बी एक्चुअल रिसोर्स इन फ्यूचर. जैसे आप देखो पोटेंशियल क्या हुआ, ऑल द नेचुरल रिसोर्स क्वांटिटी डज नॉट नो means the quantity, we don't have any idea about the quantity of the natural resource, that is called the potential resource. Mean the quantity of natural resource that we don't have idea about the quantity. So that type of resource is called पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि वह नेचुरल जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमको पता ही नहीं है, ठीक है, और वो यूज में भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं. जैसे यूरेनियम, यूरेनियम की क्वांटिटी हमको पता नहीं है कहां कहां पाया जाता है, कहां कहां है, इसका पर्टिकुलर हमारे पास यूज नहीं है. तो ए मे बी इन द कमिंग टाइम आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी जब हमारे पास डेवलप होगा ना तो हो सके आने वाले समय में हम यूरेनियम का प्रॉपर यूज जान लें और वो हमारे पास एक्चुअल रिसोर्स में चेंज हो जाए. सो आई होप ऑल ऑफ यू गेट द पॉइंट, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स. जैसे एक्चुअल रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमको पता है, पोटेंशियल रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमको पता नहीं है. नेक्स्ट बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई. तो बेटा हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स है जो मीन्स यू कैन से दैट हियर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, द फर्स्ट वन इज द बायोटिक एंड सेकंड वन इज द अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्स रिफर्स टू द लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक रिसोर्स रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स से हम मिलकर जो रिसोर्स बना है उसको बायोटिक कहते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है रिसोर्स उसको हम अबायोटिक कहते हैं. अब बायोटिक क्या होता है, बायोटिक मीन्स हमारे पास लिविंग थिंग्स यानी कि ऑल ऑर्गेनिक और एनीथिंग दैट कैन बी डिकेड विद द पासिंग ऑफ टाइम, एनीथिंग दैट कैन बी डिकेड विद द पासिंग ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड बायोटिक. ओके, दैट इज कॉल्ड बायोटिक. ओके, एंड अबायोटिक एनीथिंग दैट कैन नॉट बी डिकेड विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी चीज जो समय के साथ खत्म नहीं होता उसको अबायोटिक कहते हैं. जैसे कि नॉन लिविंग थिंग, बेटा आप मान लो कि आज ये बिल्डिंग है, अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आया, भूकंप आया और ये बिल्डिंग गिर गया, तो गिरने के बाद क्या होगा, गिरने के बाद ये होगा कि अगर आप दो मतलब कि आप दो चार साल बाद आप यहाँ पे आते हो प्रतीक सर की डेड बॉडी देखने के लिए, यहाँ पे सिर्फ मेरा स्केलेटन बचा होगा और मेरा जो ये मसल्स है वो क्या है, हमारे पास लिविंग थिंग्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स है वो खत्म हो जाएगा समय के साथ, तो इसलिए मेरी बॉडी क्या होगी, बायोटिक हो जाएगी. और ये बिल्डिंग, ये बोर्ड, ये आपका मार्कर, आप चार साल बाद आओगे और यहाँ पे सर्च करोगे तो ये सारी चीज मिल जाएगी, इसलिए हमारे पास होता है अबायोटिक, यानी कि जो चीज समय के साथ खत्म हो जाए वो बायोटिक है, जो चीज समय के साथ खत्म ना हो वो अबायोटिक है. तो एग्जांपल आप देख सकते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये खत्म हो जाते हैं और अबायोटिक में हमारे पास रॉक वाटर एंड सॉइल ये खत्म नहीं होते हैं. तो ऑल ऑफ यू गेट द पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू कैटेगरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट
थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक मतलब मात्रा। तो बेटा हमारे पास एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जो रिन्यू हो जाए, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू ना हो पाए। तो यू कैन से दैट रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यूड, दैट कैन बी रिन्यूड एंड रिप्लेस्ड क्विकली, That is called renewable resource. It means यानी कि renewable resource वो होते हैं जो आसानी से परिवर्तित होके फिर अपने initial stage में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं renewable resource. For example, water. ठीक है, next आपका non-renewable resource. Non-renewable resource क्या है बेटा? That cannot be renewed. That cannot be renewed with the passing of time. That is called non-renewable resource. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड कोल। तो बेटा आप ये देखो कि आप एक बॉटल पानी रखते हो, ठीक है, और एक आप बाइक चलाते हो और बाइक में आपने पेट्रोल डाल लिया। तो आप जब बाइक चलाते हो बेटा, तो बाइक आप जब चलाते हो यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो और 30-40 किलोमीटर जाते हो और एक लीटर आपने पेट्रोल डाला है, तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आप फिर कहोगे कि ओ तुम रिन्यूअल बन जाओ, ए पेट्रोल तुम रिन्यूअल बन जाओ, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये बेटा हमारे पास रिन्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये खत्म हो गया। यानी कि अब इसको हम बैक टू इट्स इनिशियल फॉर्म यानी इनिशियल स्टेज में नहीं ला सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हमारे पास रिन्यूएबल वाटर होता है, तो वाटर हमारे पास क्या है, आप बेटा खाना बनाते हो, आप कपड़े वॉश करते हो, तो इवेपोरेशन के द्वारा ये हमारे पास क्या होता है, पानी क्लाउड्स फॉर्मेशन चेंज करता है, क्लाउड्स से फिर रेन होता है, फिर रेन होकर फिर ये एटमॉस्फेयर पे आया, सॉरी हमारे पास सरफेस पे आ जाता है। तो पानी का हमारे पास क्या होगा, रिन्यूएबल हो रहा है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर फर्स्ट फॉर्म में आ गया, लेकिन पेट्रोल का ऐसा सिस्टम नहीं है। तो बेटा जो हमारे पास अपने गेट बैक हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी गेट बैक इन द पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्स। एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर पेट्रोल, बेटा जो पेट्रोल होता है, अगर हमने अपनी बाइक में डलवा लिया एक लीटर पेट्रोल और यहां से 40 या 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर हमने ट्रेवल को डिस्टेंस को कवर किया, तो अब हमारा पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अब बेटा वहां पे हम सब पटक ले, हम अपनी जान दे दे, वो रिन्यूएबल में चेंज नहीं हो सकता है। अगर रिन्यूएबल में चेंज नहीं हो सकता है, इट मीन्स वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज द यूबिक्यूटस एंड सेकेंड वन इज द लोकलाइज्ड। यू कैन सी हियर यू, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्स। तो बेटा यूनिवर्सली जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है उसको हम कहते हैं यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मीन्स यूनिवर्सली, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सांस ले रहा हूं तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यूबिक्यूटस है, ठीक है। वाटर है, तो वाटर हमारे पास क्या, यूबिक्यूटस का एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं अपने घर में हूं तो भी सांस ले रहा हूं, मैं अगर स्कूल में रहूंगा तो भी सांस लूंगा, अगर मैं इंडिया के किसी कोने में रहूंगा तो भी सांस लूंगा, अगर मैं अमेरिका चला जाऊं तो भी सांस लूंगा, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं तो भी सांस लूंगा, अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊं तो भी सांस लूंगा। तो बेटा हम दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं तो हमको एयर हमको आसानी से मिल जाता है, जो नेचर ऑफ गिफ्ट होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और वो हर एक जगह पाया जाता है। दैट इज कॉल्ड यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस रिसोर्स मींस ऑल द नेचुरल रिसोर्स व्हिच आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ, दैट इज कॉल्ड यूबिक्यूटस। नेक्स्ट है बेटा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मींस व्हाट, एल स्टैंड्स फॉर लोकेशन, एल स्टैंड्स फॉर लोकेशन। तो बेटा लोकेशन हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहां पे हूं और आप बोलोगे सर अपना लोकेशन सेंड कीजिए, ठीक है, तो मैं अपना लोकेशन अगर आपको सेंड करूंगा तो मेरा लोकेशन यही पर्टिकुलर रीजन का बताएगा, ना कि अमेरिका का, ना कि ऑस्ट्रेलिया का, ना तो पाकिस्तान का, ना तो श्रीलंका का, ना तो अफगानिस्तान का, यहां का नहीं बताने वाला है, पर्टिकुलर मैं जहां का लोकेशन सेंड करूंगा, जहां हूं वही का बताएगा। तो लोकेलाइज मतलब क्या होता है, लोकेशन से रिलेटेड है, यानी कि वह नेचुरल रिसोर्स जो पर्टिकुलर लोकेशन यानी कि पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, पर्टिकुलर लोकेलिटी में पाया जाता है, उसको हम लोकलाइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर एंड गोल्ड, अगर बेटा हमारे पास गोल्ड यूबिक्यूटस हो जाए, जैसे हमको एयर और वाटर सब जगह मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो अगर हमारे पास गोल्ड यूबिक्यूटस हो जाए तो हमारे पास ये मार्कर भी यूबिक्यूटस हो जाएगा, ठीक है, मार्कर गोल्ड का हो जाएगा, ये व्हाइट बोर्ड गोल्ड का हो जाएगा, और यहां तक शायद मैं बोलूंगा तो वो भी गोल्ड की लैंग्वेज में बोलूंगा, दैट्स आई एम जोकिंग, ओके। तो सो बेटा हमारे पास लोकलाइज क्या है, लोकलाइज हमारे पास वह नेचुरल रिसोर्स होता है जो
स्पेशल पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड गोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बचाव करना, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन, हम कैसे उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। सो यू कैन सी यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, यानी कि रिसोर्स जितने भी होते हैं उसको सावधानी से यूज करना, सावधानी पूर्वक यूज करना, ठीक है, और उसको समय देना कि वह अपने फॉर्म में इनसे स्टेट में गैप बैक हो जाए, ठीक है, इतना समय देना। तो इस तरह से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बना है उसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन इज व्हाट, व्हाट यू मीन बाय रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट देम बैक, टू गेट देम रिन्यू, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट, व्हाट यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी कि रिसोर्स का अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करना, प्रयोग करना एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर यूज, और उसको अपने भविष्य के लिए बचा कर रखना कि हमारा आने वाला जनरेशन उसका यूज कर ले, इसको ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट, व्हेन वी यूज रिसोर्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड ऑल्सो कंजर्व देम, ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर यूज, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर द पॉइंट। एक बेटा हमारे पास टर्म से यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, कुछ सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो बेटा सिद्धांत की बात करेंगे तो फर्स्ट आप कह सकते हो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ, यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स है उसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, हमारे पास को जो हमारी क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना है ताकि हम नेचुरल रिसोर्स के स्टॉक को कंजर्व कर सके और उसको एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सके, ठीक है। इसलिए हमको ह्यूमन क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड द डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारे पास पृथ्वी पे ये अलग तरीके से जो पॉल्यूशन टाइप पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इसको बेटा हमको रोकना है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, रोकना है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्स जिस तरीके से जिस स्पीड से डिप्लेट यानी घटते चला जा रहा है उसको भी हमको देखना है, उसको भी रोकना है। नेक्स्ट है आपका कह सकते हो चेंज पर्सनल एटीट्यूड इन द प्रैक्टिस, यानी कि हम खुद को हमको खुद के अपने अंदर बदलाव लाना है, क्या बोलाना है, क्योंकि बेटा अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर को हमको, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते समय हम लोग तुरंत टैप ऑन किए, पानी लगातार गिर रहा है, तो पानी क्या हमारे पास नेचुरल रिसोर्स जो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो वेस्ट हो रहा है बेटा ये आसानी से तो गेट रिन्यूड होगा नहीं, बहुत सारा समय लगता है इसके प्रोसेस में होने के लिए। तो पानी को हम मग से पहले रोक ले, उसके बाद उस मग के पानी का यूज करें, इस तरह से हम क्या करेंगे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ ऑल ऑफ यू गेट द पॉइंट, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय रिसोर्स। एनीथिंग व्हिच हैज यूटिलिटी एंड विजिबिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्स। एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड, एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल पेन, वाटर, मोबाइल, डॉट 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 एक्सेट्रा। Classification of resource. There are two classification. I saw three classification of resource. The first one natural, second one human made, and third one human. So, beta, ab hamare paas natural resource classification. There are the four classification on the basis of the development, origin, stock, and distribution. So, on the basis of development, there are the two classification: actual and potential. For example, coal and petcoal, and for example, uranium. On the basis of origin, biotic or biotic, living things, non-living things. For example, plants and animals. For example, rock, water, and soil. On the basis of stock, bhandara, renewable and non-renewable. Renewable, for example, water. Non-renewable, for example, petrol and coal. On the basis of distribution, yani location ke hisab se distribute kiya gaya, kaun kahan paya jayega, kaun kahan nahi paya jayega. Or ubiquitous and localized. Ubiquitous example, air and water, localized copper and gold. Next, resource conservation. Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Sustainable development. Using resource carefully or using resource according to our need and conserve them for future use is called sustainable development. Okay, and what is technology? Technology is an application and by this application,
By this application, we can say that technology, it is an application of the latest knowledge and skill of human being, by which we can create human-made resource and all the human-made resource modified by the resource of nature. It means natural resource. So बेटा टेक्नोलॉजी हम इसको कहते हैं वो एक एप्लीकेशन जहां पे लेटेस्ट नॉलेज लेटेस्ट अपडेशन लेटेस्ट स्किल होता है जिसकी सहायता से हम बेस्ट पॉसिबिलिटी वे में नेचुरल रिसोर्स को मैन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी कहते हैं ठीक है। तो अब हमारे पास ह्यूमन क्या होता है ह्यूमन बींग्स हमारे पास ह्यूमन बींग विद देयर नॉलेज आइडियाज एंड स्किल टैलेंट एबिलिटी क्वालिटी। सो हमारे पास पीपल क्या हुआ ह्यूमन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो बेटा all of you get the point, I hope all of you get the point in the very easy way and next video आपको का class 8 history lesson number 1st का मैं देने वाला हूँ। So be prepared, be ready for that and that will be the very interesting, okay? So all of you take care, good day and Jai Hind।